दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स हट करके बात करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे WhatsApp के बारे में। पूरे विश्व में लगभग 1.6 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हर महीने ज्वाइन करते हैं WhatsApp को। WhatsApp फिलहाल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमको अभी भी नहीं पता है। मैं आपको इस वीडियो में WhatsApp हैक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है। सो बने रहेगा इस वीडियो में। यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल टेक एक्सपर्ट इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। शेयर मैसेज विदाउट रिगार्डिंग इट्स क्वालिटी। जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन को कोई फोटो सेंड करते या फिर कोई इमेज सेंड करते हैं तो WhatsApp का एल्गोरिदम क्या करता है, आपकी इमेज की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है और उसके बाद में वो नेक्स्ट पर्सन को भेजता है। अब नेक्स्ट पर्सन के पास में फोटो पहुंचती है और वो बोलता है क्या घटिया इमेज क्वालिटी है यार इसके फ़ोन की कैमरा की। तो यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है यार। इससे बचने के लिए अपने चैट को ओपन कीजिए, उसके बाद में अटैचमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपने गैलरी ऑप्शन पे ना जाते हुए डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पे डायरेक्ट आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कीजिए और अगले वाले को भेज दीजिए। आपकी जो इमेज फाइल होगी वो एज अ डॉक्यूमेंट फाइल के जरिए अगले पर्सन तक पहुँचेगी और आपकी इमेज की क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं होगी और आपको अगले पर्सन से गाली भी नहीं खाना पड़ेगा। मेक योर टेक्स्ट स्टैंड आउट बाय मेकिंग बोल्ड एंड इटैलिक और बाय यूजिंग स्ट्राइक। WhatsApp आपको अपने टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज करने का ऑप्शन देता है जब आप चैट कर रहे होते हैं। सपोज आपको कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उस वर्ड के आगे और पीछे स्टार सिंबल ऐड करें और फिर सेंड कीजिए। देखिए हो गया ना बोल्ड। दूसरी तरफ सपोज आपको कुछ इटैलिक फॉन्ट करना है तो वहाँ पे डैश पुट करें आगे और पीछे। उसके बाद में ये जो सिंबल दिख रहा है इसको भी आप आगे और पीछे पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल आपके सामने आ जाएगी। You can create your own emojis and send them to your friends on WhatsApp. अगर आपको लग रहा है कि आपका emoji collection enough नहीं है आपके views को express करने के लिए better way में, आप खुद के emojis भी बना सकते हो। आप लोगों को इसके लिए Google Play Store पे emoji maker download करना होगा, उसकी link मैंने description box में दे दी है और easily आप इस app की मदद से emoji create कर सकते हो और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। WhatsApp gives an option to add your favorite chat shortcut on your home screen. डू यू नो आप अपने इंपॉर्टेंट चैट्स के शॉर्टकट को भी क्रिएट कर सकते हैं आपके होम स्क्रीन पे। पहले आपको अपने चैट पर लॉन्ग प्रेस करना होगा जिन्हें भी आप होम स्क्रीन पे चाहते हैं, उसके बाद थ्री डॉट ऑप्शन पे जाकर के सिलेक्ट ऐड शॉर्टकट करना होगा। सिंपल, आपका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। एनेबल टू स्टेप वेरीफिकेशन फॉर इनहेंस सिक्योरिटी। दोस्तों अगर आपको अपने WhatsApp अकाउंट की सबसे ज़्यादा चिंता है, उसकी प्राइवेसी की चिंता है, तो वहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन इसको एनेबल करने से पहले आप मेक श्योर हो जाइए कि यहाँ पे आपको जो पासवर्ड डालना है वो लाइक अ पासवर्ड होगा एक तरीके का, और वही पासवर्ड आपको तब तब लगेगा जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लाइक अगर मैंने नया स्मार्टफोन खरीदा तो मैं जब उस पर लॉगिन करूँगा तो वो पासवर्ड मुझे वहाँ पर मांगेगा वो। अगर आप चाहते हैं इसको अनेबल करने के लिए तो सिंपल WhatsApp सेटिंग पे जाकर के अकाउंट टैब पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको अनेबल करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह सिक्योर हो जाएगा। अगला है कि हाइड WhatsApp मीडिया फ्रॉम यूअर फोन्स गैलरी। मेरे को पता है बेटा तुम लोग क्या क्या देखते हो फ़ोन पे, मजाक कर रहा हूँ। नॉर्मली जब कोई हमारा फ्रेंड हमको कोई मीडिया फाइल भेजता है, लाइक फ़ोटो या फिर वीडियो, कोई भी फोटो हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, तो सीधे जा करके वो गैलरी में सेव हो जाती है। और अगर वही फ़ोटो या फिर कोई वीडियो हमारे मम्मी या पापा या फिर भाई वाई या फिर बहन वहन देख लेती है तो गलत इंप्रेशन पड़ता है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये ऑप्शन अपनाना चाहिए। सेटिंग पैनल पे जाना होगा WhatsApp के और चैट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में मीडिया विजिबिलिटी ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अब आपकी GF की फ़ोटो, उसके साथ वाली फ़ोटो या फिर वो वाली वीडियो आपके गैलरी में नहीं दिखेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ WhatsApp के हैक्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। इसके अलावा भी बहुत सारे WhatsApp के हैक्स है लेकिन वो किसी काम के नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं मानता हूँ वीडियो 2-3 मिनट की है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में। बाय।